ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, फॉर लास्ट 2-3 डेज बहुत ज़्यादा बिजी थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, जिसकी वजह से ना मैं लाइव आ पाई और ना ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर पाई। आई एम रियली सॉरी, बट येस नाउ आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से जैसे पहले जल्दी जल्दी पोस्ट कर रही थी चीज़ें, और अभी भी करूं। और अभी मैं फ़िलहाल फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग जो बनाने जा रही हूं वो है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, हर एक राशि की। मैं वन बाय वन सबके कार्ड्स निकालूंगी, जो रेजोनेट हो प्लीज़ उसे लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है हर राशि की, तो इसे फोर्स मत कीजिएगा अपने ऊपर। और अगर क्लेम कर सकते हैं, लगता है कि मैच हो रही है तो क्लेम करें, नहीं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। बट यस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको लगी मेरी वीडियो। बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो जेमिनी, ये है आपके प्रेजेंट का कार्ड, ये है सॉरी पास्ट का, देन प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। धीरे धीरे हम इन सबको एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे, इन कार्ड्स को देखेंगे क्या है इन कार्ड्स का मीनिंग। सबसे पहला जेमिनी, मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि आप अपनी लाइफ को पीछे पल बाय पल और इस तरह से चीज़ों को जीने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा जेमिनी पीछे हुआ है, चीज़ें इस तरह से हुई हैं। टू नंबर आया है, टू नंबर होता है पॉसिबिलिटीज़ का, टू नंबर होता है दो चॉइसेस का, थोड़ा कन्फ्यूजन का, कुछ क्रॉस रोड्स का। तो आप मे बी आप उन सब चीज़ों की वजह से कुछ मोमेंट बाय मोमेंट चीज़ों को जी रहे थे। क्लैरिफाई करते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है फ्रेंड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड एस ऑफ सोर्ड्स आया। देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पीछे या तो मोमेंट टू मोमेंट आप इसलिए जी रहे थे, मे बी आप या तो आपने किसी एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, और आप उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा या आपसे बात करेगा, आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील कराएगा, एक नई शुरुआत करेगा, इसलिए आप ज़्यादा दूर की नहीं सोच रहे थे, या आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड तो थे। नाइन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रेस थे, आपने टेंशन ले रखी थी चीज़ों की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये था कि चलो क्या पता वो पर्सन या वो सिचुएशन में भी, देखो ये सिचुएशन करियर में भी हो सकती है कि ये सिचुएशन धीरे धीरे आने वाले टाइम में, हो सकता है आप अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हो सकता है आपके प्रोजेक्ट चला गया हो, तो आपको लग रहा हो कि मे बी मुझे इस प्रोजेक्ट में नहीं तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मौका मिल जाएगा, तो अभी मैं ज़्यादा वो ना करूँ। आप एक प्रपोज़ल का, एक किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि पीछे आपने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है चीज़ों में जो मुझे दिख रहा है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आई हैं आपके पास्ट में, और इस वजह से आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस होके नहीं मोमेंट वाइज चल रहे थे। अगर मैं अभी करंटली बताऊं तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ इस चेंज को, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया आपकी लाइफ में, और कुछ इस तरह का बदलाव आया है जेमिनी जो मुझे दिख रहा है इन दोनों सब कार्ड्स को, कि दो पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस की आई है। तो मतलब कुछ ऐसा बदलाव आ गया है कि आपने जैसे वन नंबर पे आके खड़े हो गए अपनी लाइफ में, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स की, या तो बहुत ज़बरदस्त आपको मनी लॉस हुआ है, या आपने फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी लाइफ में, या हेल्थ वाइज भी हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने अपनी लाइफ में ऐसी देखी है, या आप आ गए हो उस सिचुएशन में जिसकी वजह से आप जैसे ज़िंदगी में ना बिल्कुल कभी कभी लगता है ना कि हमने इतना कुछ किया लेकिन मैं आकर फिर से वन पे ही खड़ा हो गया। आप कुछ इस तरह की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, आप फील भी करते हो किसी के लिए तो बस थोड़ा सा, आप मेहनत भी करना चाहते हो तो बस थोड़ी सी, आप अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हो तो थोड़ा सा। तो कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन ने या तो आपको एट प्रेजेंट इतना ज़बरदस्त हिट करा है कि आप कुछ इस टाइप की एनर्जी में हो,
अगर मैं फ्यूचर की देखूं तो फ्यूचर में भी आप मुझे डिफेंसिव मोड में दिख रहे हो, आप एक फाइटिंग मोड में हो, आप शायद सोच रहे हो कि कैसे मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इन चीज़ों से मैं बाहर निकलूं, कैसे मैं लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जाऊं। देखिए द सन का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड द हर्मिट। फ्यूचर में आप डिफेंसिव रहेंगे, फ्यूचर में आप ये सोचेंगे कि मैं चीज़ों को किस तरह से, कैसे इस चीज़ों को करूं, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करेंगे चीज़ों को। आप अपनी लाइफ को इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से दो चीज़ों में लेके जाएंगे, एक तो आप बेकार की चीज़ों से निकलेंगे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, और एक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आपने कहा है अब बहुत हो गया, मैं सच बताऊं कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पहले आपने कोशिश करी कि चल यार टाइम धीरे धीरे शांति से निकलता रहे, लेकिन जैसे होता है ना कभी कभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को ना बहुत इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्या होता है टाइम ऐसा आ जाता है कि वो कोई बात नहीं ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो कोई बात नहीं रहती है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि ठीक है अब जब सब कुछ ही बेकार हो गया तो फिर हम कहते हैं जो भी हमारे पास है हम उसी के साथ खुश हैं। जेमिनी अब आप उस वाले ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं, लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको बताऊं आप बहुत ही समझदारी से चीज़ों को सोचेंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में, और लाइफ में जो आप बेकार की चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, या जो रिश्ते या जो लोग या जो चीज़ें भी आपको नहीं कर रही, आप एक स्टैंड लेंगे अपनी लाइफ में, वहाँ से मूव करेंगे। और आपके फ्यूचर में देखिए सन आ रहा है, सन आ रहा है एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ का। आप भले ही चीज़ों में फाइट करते नज़र आ रहे हैं, भले ही आप एक डिफेंसिव मोड में, भले ही आपने अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन आपकी फ्यूचर में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी आती दिख रही है मुझे। ये जेमिनी के लिए है, ठीक है। जेमिनी में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ, डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो नो नीड टू वरी, देखो चिंता नहीं करनी है, तो चीज़ें मे बी फ्यूचर में आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएंगी, आपको चिंता नहीं करनी है, ट्रस्ट। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं एंड रोमांस। तो अगर ये सब दुख जो हैं, ये सब हो सकता है आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में प्यार ही नहीं रहा, कोई लविंग पर्सन ही नहीं रहा, और मे बी देखो हो सकता है कोई छोड़ के चला गया हो, कोई वैसे ही चला गया हो, मैं नहीं कह रही छोड़ के जाने का मतलब, कोई लाइफ में कभी कभी हमारे अपने हमें चले जाते हैं छोड़ के, कोई बहुत क्लोज्ड वन दुनिया से चला जाता है या वैसे चला जाता है, तो हम बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगर वो वाली सिचुएशन भी लाइफ में आई है तो भी भगवान कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ज़िंदगी में, दुनिया में, अपने पे, खुद पे, मुझ पे विश्वास रखो, आगे चल के आपको एक ऐसा लविंग पार्टनर, एक ऐसा लविंग इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जहाँ चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो एक फ्यूचर में एक खुशी अपने लिए अवेट कर रही है, ठीक है। सो होप रीडिंग जेमिनी आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई हो, मैच हो अगर एनर्जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, क्लेम करें एनर्जी को। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।